आदमी को चॉकलेट चुराना पड़ा महंगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को चॉकलेट चुराते हुए दिखाया जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये चॉकलेट के पास पहुंचता, ये आदमी गलती से चॉकलेट से भरे हुए बड़े से बर्तन में गिर जाता है। अब इस आदमी को बचाने के लिए मौके पर वहां पुलिस पहुंच जाती है। उसी फैक्ट्री की मालिक पुलिस को बताती है कि उन्हें चॉकलेट को लगातार गर्म करते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो चॉकलेट ठंडी होकर जम जाती है। इसलिए वो पुलिस से कहती है कि अगर वो इस आदमी को जल्दी इस बर्तन से बाहर नहीं निकालेंगे तो ये आदमी भी चॉकलेट के साथ पिघल जाएगा। अब परिस्थिति को समझते हुए पुलिस वाले जल्दी से बर्तन के ऊपर एक सीढ़ी लगा देते हैं, परंतु जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स इस आदमी को ऊपर खींचते, वैसे ही एक अज्ञात बल आदमी को नीचे की ओर खींच लेता है। अब आदमी का दम घुटने से बचाने के लिए पुलिस ऑफिसर्स उसके मुंह में एक ऑक्सीजन ट्यूब डाल देते हैं। लगातार काफी कोशिश करने के बाद भी पुलिस ऑफिसर्स इस आदमी को बाहर निकालने में नाकाम रहते हैं। उसी समय एक अफसर कहता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जब हम इसे बाहर खींचने की कोशिश करते हैं तो चॉकलेट लिक्विड इस आदमी को विपरीत दिशा की ओर धकेल देती है। उस समय इस आदमी का वजन 10 गुना तक बढ़ जाता है। अब यह आदमी सोचने लगता है कि ये बस अब मरने वाला है कि तभी एक इंटेलिजेंट पुलिस अफसर उस बर्तन में बहुत सारा दूध डाल देता है, जिससे बर्तन की चॉकलेट पतली हो जाती है और आखिरकार इस आदमी को बचा लिया जाता है।